बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। लॉकडाउन के दौरान ये बात सच भी साबित हुई। काशी के समाज सेवियों ने आगे बढ़कर लोगों की अन्न सेवा की तो जिला प्रशासन ने भी इस काम में भरपूर सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के ऐसे ही लोगों से रूबरू हुए। इनसे बातचीत कर पीएम मोदी अपने अनुभव और उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए कई सामाजिक कार्यों को चर्चा द्वारा देश के सामने रखा। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों विराजते हैं और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ सबके खाने का इंतजाम कर देंगे। आप सभी के लिए, तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। इसमें बनारस के गरीब लोग भी शामिल हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों को, श्रमिकों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दोगुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक, यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित 100 से अधिक संस्थाओं द्वारा जिला प्रशासन की फूड सेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से करीब 20 लाख फूड पैकेट्स और 2 लाख सूखे राशन किट्स का वितरण किया गया।